के मोमेंटो के नशे, आज इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, किन किन चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है, कंप्यूटेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, थोड़ा बहुत डायरेक्शन करेंगे एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कंटीन्यूअस बॉडीज का टॉपिक भी इसी में शुरू कर देंगे। ठीक है, वो आगे के आगे कंटिन्यू होता रहेगा। सबसे पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? द टर्म इज इनर्शिया। इनर्शिया जब हम लीनियर मोशन पढ़ते हैं उसमें हमारे पास आती है फ्रॉम द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि बॉडी जो है वो रेस्ट पे रहेगी अंटिल उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही, और वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी अंटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जा रही उसको रोकने के लिए। ठीक है, अब बुक इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, वो टेबल पे ही रहेगी जब तक आप इसको अपने हाथ के साथ या डंडे की तरह किसी भी चीज के साथ इसको खिसकाओगे नहीं, आगे पीछे नहीं करोगे। ठीक है, वो तब तक मोशन में आएगी, आप इसको उठाओगे नहीं बुक से, तब तक वो मोशन में नहीं आएगी। मोशन में नहीं उठाओगे तो वो एक तरह से मोशन में ही आ रही है। ठीक है, और कोई भी बाइसिकल है वो मूव कर रही है, देखो मेरी बाइसिकल कितनी अच्छी है, कोई भी बाइसिकल है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन से, तो वैसे ही मूव करती रहेगी जब तक या तो ब्रेक नहीं लगेगी या सामने कोई चीज नहीं आ जाती। ये सारा का सारा एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर बेस्ड था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसी के बेसिस पे हमने एक टर्म निकाली थी इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है? कैपेबिलिटी, या कैपेबिलिटी भी नहीं कहेंगे, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इनएबिलिटी जब आ गया कि वो कैपेबल ही नहीं है, ठीक है, वो एबल ही नहीं है अपने रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन की जो स्टेट है उसको चेंज करने में, वो होती है टर्म इनर्शिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें इनर्शिया का एक आइडिया हो रहा है कि वो मोशन और रेस्ट के रिलेटेड आएगा। अब आ रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि इनर्शिया के ऊपर अब हम रोटेशनल मोशन लगा रहे हैं। ठीक है, रोटेशनल मोशन लगा रहे हैं, जैसे हमने लीनियर मोशन के लिए फोर्स किया था बेटा कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, या फिर लिखा है फोर्स अप्लाई करेंगे या तो मोशन में आएगा या रेस्ट में आएगा, तो जब हमने मोमेंट ऑफ फोर्स कर दिया था तो हमने कहा था वो क्या होता है? टॉर्क। ठीक है, तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया करूंगी तो वो कौन सा आ जाएगा? रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल भी कह सकते हैं, रोटेशनल इनर्शिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है, कोई भी बॉडी वो रोटेट कर रही है यूनिफॉर्मली। ठीक है, अपनी एक एक्सिस के ऊपर वो रोटेट कर रही है, इसकी मान लो एक्सिस है इस बॉडी की, कि मेरे पास कोई सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस, इस तरह से रोटेट कर रहा है, किसी भी तरीके से आप लगा लो, कोई भी बॉडी वो रोटेट कर रही है, वो तब तक रोटेट करती रहेगी अपनी यूनिफॉर्म रोटेशन की स्टेट में, तब तक रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं अप्लाई हो जाती। अब इसमें फोर्स को रिप्लेस कर दिया टॉर्क में। ठीक है, जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाई जाएगी इसको रोकने के लिए, इसको रेस्ट की पोजीशन पे लेके आने के लिए। सिमिलर ये बॉडी इस तरह से मूव कर रही है, तब तक अपना यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन रखेगी जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क यानी कि टॉर नहीं लगेगी। तो ये इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन और रेस्ट इज नोन एज रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब ये तो हो गया कि थ्योरेटिकल डेफिनेशन, अगर मैं इसकी प्रैक्टिकल डेफिनेशन आपको बताऊं तो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी, ये हम रिजिड बॉडीज के लिए लेते हैं। रिजिड बॉडी क्या होती है? वो बॉडी जिसकी जो मोशन में आने के बाद उसकी पार्टिकल्स की पोजीशन है वो चेंज ना हो, यानी कि उसकी जो साइज शेप है और पोजीशन है वो वैसी की वैसी रहे पार्टिकल्स की, वो होती है रिजिड बॉडी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट, अब इसमें एक्सिस का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कहाँ से रोटेशन हो रही है, कहाँ पे इसकी एक्सिस है, किस
किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये चीजें बहुत मैटर करेंगी आपको आगे जाके काम आएंगी ये। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स एक्सिस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी एंड द स्फीयर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये थोड़ी सी मैथमेटिकल मेरे पास डेफिनेशन आ गई है, इस चीज को मैं अभी समझाती हूँ मैथमेटिकली। ये जो मैथमेटिकली कंसेप्ट है ये हमारे ज्यादा काम आएगा, जिसका फॉर्मूला हम निकालेंगे वो हमारे आगे न्यूमेरिकल्स में और अदर जो हमारे आगे आर्टिकल्स आने वाले हैं उसमें बहुत काम आने वाले हैं। अब करते हैं शुरू। अब इसमें क्या है, डेफिनेशन को ध्यान से देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। मान लीजिए मेरे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक्स वाई जेड प्लेन पे है, मेरे पास ये एक्स प्लेन है, ये वाई है, ये जी है, थोड़ी बहुत ये बाहर निकल के जी में भी आ रही, चल ऐसे भी कर लो, ठीक है, या इधर आ रही है, कैसे भी कर लो इसको, कैसे भी आप उपयोग कर सकते हैं कि सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे मासेस है, M1, M2, M3, ये मेरा ओरिजिन है। अब यहाँ की बजाय मैं कह रही हूँ कि मुझे ये एक्सिस पे चाहिए, इसके अबाउट जो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, अब यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या होगा, R3, सॉरी इसका R2 और ये इसका R1, ये R2 होगा, ठीक है। इसमें वाली बहुत सारे पार्टिकल से बनी है, तो आपके पास जो भी मोबाइल है, लैपटॉप, तो इसमें ढेर सारे पार्टिकल्स है, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है, आप इसमें है कि काउंट भी नहीं कर सकते। तो सभी पार्टिकल्स की अगर आपने मोमेंट ऑफ एनर्जी निकाली है विद रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर एक्सिस, तो आप उन सभी के पोजिशन वेक्टर्स लोगे। तो मोमेंट ऑफ एनर्जी को हम आई से डिनोट करते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मासेस, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मासेस, पहले तो मासेस का प्रोडक्ट ले लिया, किसके साथ, ये लग है, किसके साथ, पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी एंड स्फीयर ऑफ रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस तरह से ये सम भी हो गया और ये इनका प्रोडक्ट हो गया। अब मेरे पास मान लीजिए अब इनफाइनाइट पार्टिकल्स और इनफाइनाइट को मैंने एन कह दिया, इस तरह से आ जाएगा। जब मैं इनका सम करूंगी, समेशन करूंगी, आई इज इक्वल टू 1 to n करूंगी, MIRI स्फीयर हो जाएगा। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर एक पार्टिकल का निकालना चाहूँ तो MR स्फीयर मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा एक बॉडी का, ठीक है। अब इसे देख के आप इसकी ऐसा यूनिट निकाल सकते हो, देखो ये है मास, मास हम ऐसा ही में किलोग्राम में मेजर करते हैं। आर क्या है बेटा, डिस्टेंस है, एक तरह से चाहे हम इसको पोजिशन वेक्टर कहते बट है क्या, ये डिस्टेंस है, आर के स्केयर मीन मीटर के स्केयर। सिमिलरली हम इसको सीडीएस को कह देंगे ग्राम सेंटीमीटर स्केयर, और इसका हमें क्या निकालना है, आपको डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन में देख लीजिए किलोग्राम का मास है, मास है तो इसका हम एम लेंगे, ठीक है, आर है, आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी कह सकते हैं, लेंथ भी कह सकते हैं हम उसको, डिस्टेंस और लेंथ को एक ही तरह का अज्यूम करते हैं, ये हो जाएगा। टाइम कुछ दिया नहीं हमें, ये जीरो हो जाएगा, ML2 T0, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब देखते हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखो जो बॉडी है उसका मास हमेशा एक चेंज, स्टेट ऑफ चेंज में, स्टेट ऑफ इमोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज आने को वो रिजिस्ट करता है, वो कहता है कि नहीं ये चेंज नहीं होना चाहिए। जब हम लोअर क्लासेस में इनर्शिया का टॉपिक पढ़ते थे हम क्या करते थे,
एक बस है, बस ने इस साइड टर्न लिया, लेकिन हमारी बॉडी क्या है, एक सीधे स्ट्रेट मोशन में बैठने की इतनी आदी हो गई थी कि बस ने इस साइड टर्न लिया, लेकिन हमारी बॉडी ने जर्क इस साइड के महसूस किया, इस पर धक्का महसूस किया और हम इस साइड को टर्न हो गए, है ना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में हम देखेंगे। सिमिलरली रोटेशनल मोशन में भी जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं, वो नहीं चाहते कि जो चेंज आ रहा है वो आए, तो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेंगे, मोशन में तो मोशन में ही रहते हैं। जैसे कि व्हील है, व्हील के ऊपर ढेर सारी मिट्टी पड़ी है, ठीक है, आपने इसको किसी से ज्वाइन किया हुआ है, ढेर सारी मिट्टी पड़ी है, एकदम से जब वो फुल स्पीड से रोटेट करेगा तो मिट्टी के पार्टिकल्स है ना वो वहीं पे रह जाएंगे, मतलब कि वो कुछ देर के लिए वहीं पे रहेंगे, झड़ेंगे, फिर वो नीचे गिर जाएंगे, कुछ को तो घूमेंगे साथ साथ में, साथ साथ में घूमते बाहर निकल के वो मिट्टी उड़ेगी, जो घूमने वाले पार्टिकल्स में उड़ जाएंगे, बाकी के इमिडिएटली नीचे गिर जाएंगे। अब जो वो डस्ट पार्टिकल्स थे, मिट्टी के पार्टिकल्स थे, सॉइल के पार्टिकल्स थे, वो नहीं चाहते थे कि वो चेंज आए, लेकिन वो चेंज आया जिस कारण उन्होंने वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फील कर दिया, दैट इज विच वाज इन द रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास होता है उतनी ज्यादा हमें टॉर्क चाहिए होती है, ये चीज ध्यान रखना। अभी ये पूरे फुल स्पीड से घूम रहे हैं, ठीक है, इतनी स्पीड से 300 रेवोल्यूशन पर मिनट हो रही है, इतनी तेजी से घूम रहे हैं, 1 मिनट में 312 ही चक्कर काट रहा है गोल गोल। अब इसको रोकने के लिए, एकदम से रोकने के लिए उतनी ज्यादा मुझे टॉर्क चाहिए, इनर्शिया ज्यादा हो गया ना इसका, ज्यादा इनर्शिया से जब ये घूमा तो उतनी ज्यादा मुझे टॉर्क चाहिए, उतनी ज्यादा मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी इसको रोकने के लिए, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, बॉडी के रोटेशनल इनर्शिया को मेजर करना, टू मेजर दी रोटेशनल इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, ठीक है। अब देखिए किन किन चीजों के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा डिपेंड करता है, देखो बेटा क्या है इसका फॉर्मूला, एम मास स्क्वायर, सबसे पहले डिपेंड करेगा मास ऑफ बॉडी पे, सीधी सी बात है, मास ऑफ बॉडी पे कर रहा है, दैट मीन्स साइज एंड शेप पे भी करेगा, साइज एंड शेप मीन साइज बहुत बड़ा है बहुत छोटा है, अगर व्हील मेरे पास व्हील बहुत छोटा है या फिर बहुत बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ एनर्जी डिफरेंट आएगा, ठीक है, उसका इफेक्ट भी डिफरेंट आएगा, ठीक है। फिर है ऑब्वियसली इसकी डिस्टेंस पे, मास में कितने कितने डिस्टेंस पे पड़े हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, तो उसको हम कहेंगे पोजिशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, और यही कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ये जो आर है इसमें कहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। फिर पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन का मतलब है मेरे पास एक रॉड है, एक पाइप है, ठीक है, एक मैं बीच में से इस तरह से घुमा रही हूँ, ये यहाँ से मैंने फिक्स कर दिया, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, एक हो गया ये, मैंने यहाँ से घुमा दिया, सारा का सारा ये ऐसे घूम रहा है ना, पोजीशन क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि ओरिएंटेशन कैसे हो रही है ये चीजें भी बेटर करती हैं। वही मैंने रॉड को ऐसे रख दिया तो ये इस तरह से घूमेगी रोड, इसके अकॉर्डिंग होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, जब सेंटर ऑफ मास में किया तो मेरे पास कोन है, एक सॉलिड कोन है, एक होलो कोन है, होलो कोन में क्या है अंदर से खा रही, तो मास क्या सारा का सारा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉलिड कोन है उसमें मास सारा का सारा हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर मेरे पास क्या एक ऐसा कोन आया, कोन भी नहीं कह सकते, मेरे पास एक ऐसा स्फीयर आ गया जिसमें सारा का सारा मास ऊपर ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, नीचे बहुत कम है, विल्ला विल्ला ये पार्टिकल, ऊपर बहुत ज्यादा एकदम से हो गया, ऐसे भी हमारे तरफ पास प्रॉब्लम आती है, तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, कुछ इसके फिजिकल एप्लीकेशन भी होती है, जैसे कि मेरे पास कोई फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील क्या होता है बहुत ही हैवी व्हील, उसको मैंने स्टीम इंजन की शाफ्ट के साथ या ऑटोमोबाइल इंजन के साथ
करेक्ट सॉरी करेक्ट करिए, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज होगा। जो फ्लाई व्हील है वो एकदम से जो व्हीकल की स्पीड बढ़ रही है या एकदम से उसके व्हीकल की स्पीड कम हो रही है तो उसको वो रिजिस्ट करेगा, अपोज करेगा, जिससे क्या होगा ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द कार या ड्यूरिंग द राइड ऑफ द मोशन एकदम से जो धक्के लगते हैं ना, जर्क लगते हैं, उसको ये अपोज करता है। इसलिए ट्रक में जो लोग जा रहे होते हैं उनको इतने जर्क फील होते हैं, उनके व्हील्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन कार से हमें जर्क महसूस होती है। सिमिलरली एक बाइसाइकिल है, ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा जितना ज्यादा उसका जो मास है वो व्हील के रिम तक, जहाँ तक ये जो रिम होता है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होगा, जितना ज्यादा मास उसका यहाँ पे हैवी होगा कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतनी ज्यादा जो बाइसाइकिल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। जिससे क्या है, अगर हम बाइसाइकिल को पैदल करना रोक भी दें ये अपने आप मूव करते रहेंगे, नहीं, नॉर्मल बाइसाइकिल जो होती है उनकी अगर हम पैदल करना छोड़ दें, अगर ढलान वगैरह नहीं है कुछ नहीं है, एकदम से स्लो होने शुरू हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। क्योंकि जब यहाँ पर मेरे पास व्हील ही बड़ा हैवी आ गया तो फिर ऑब्वियसली हम अगर पैदल ना भी करें तो वो मूव करती रहेगी थोड़े टाइम तक, आम बाइसिकल से थोड़ा टाइम ज्यादा टाइम तक ये मूव करती रहेगी, क्योंकि उसका जो व्हील है वो रोटेट करता रहेगा ड्यू टू लार्जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एक टॉपिक देखते हैं, रिलेशन बिटवीन, हाँ जी, रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मैं MOI लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अगेन मैंने एक रिजिड बॉडी ले ली, ये XYZ तीनों में जा रही है, ठीक है, इस तरह से जा रही है, मेरे पास ढेर सारे मासेस हैं M1 M2 M3, ठीक है, तीनों के डिस्टेंस है R1 R2 ये R3 हो गया, यहाँ पे भी ले सकते हैं, ये मान लो मैंने MN ले लिया, इसका डिस्टेंस हो गया MN। नो रिमेम्बर दिस दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द स्केलर क्वांटिटी। अगर बेटा ये वेक्टर होते तो ये नेगेटिव एक्सिस में जा रहे हैं, नेगेटिव वाई में जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये MN जो है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन क्योंकि स्केलर क्वांटिटी मास कहीं पे भी पड़ा हो, यहाँ पे मेरे पास M4 पड़े R4 पड़े, कहीं पे भी वो मार्क वो नेगेटिव नहीं आएगा उसके आगे, ठीक है। तो ये चीज से इसका हमारे पास फायदा हो जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया करने से पहले देखते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि कोई भी व्हील है या कोई भी बॉडी है, रिजिड बॉडी है, ये मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास ऐसे कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला तो है नहीं, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे सभी पार्टिकल्स को और उनको ऐड कर देंगे। प्लस अप टू हाफ एम एन डी एन स्क्वायर। नाउ इफ यू रिमेम्बर फर्स्ट लेक्चर ऑफ रोटेशनल मोशन, वी हैव डी इज इक्वल टू आर ओमेगा, राइट। सो कैन वी पुट डाउन द वैल्यूज ऑफ वी वन एज R1 ओमेगा, ओमेगा ऑफ रोटेशनल बॉडी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, हमेशा याद रखना जो एंगल वेलोसिटी होती है रोटेशनल बॉडी की यूजुअली वो कॉन्स्टेंटली अज्यूम करते हैं, वो उसमें कोई चेंज नहीं आता, मास चाहे यहाँ पे पड़े पार्टिकल, चाहे यहाँ पे पड़े, चाहे यहाँ पे पड़े, कहीं पे पड़े, सबका ओमेगा सेम होगा, ठीक है। V2 R2 ओमेगा, V3 R3 ओमेगा, सिमिलरली VN मेरे पास आ जाएगा RN ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे अब वैल्यू स्केलिंग करके हाफ M1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जैसे होल स्क्वायर हो जाएगा R1 ओमेगा की होल स्क्वायर होगा तो दोनों के ऊपर आ जाएगा, हम बीच में प्लस साइन तो है नहीं तो दोनों के ऊपर आ जाएगा, हम तो R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर M3 R3 ओमेगा स्क्वायर प्लस अप टू MN RN स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीज कांस्टेंट निकल सकती है, देखो हाफ है सबके पास कांस्टेंट है सेम है, ओमेगा स्क्वायर सबका सेम है वो अलग नहीं, पीछे के बचे M1 R1 स्क्वायर
क्या सेंट्री आर्क क्या सत्तू एम एन आर एन क्या। अब ये सारी चीज क्या होगी मेरे पास, इन सारी टर्म क्या होगी, इनर्शिया। तो आई कैन से दैट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास हाफ आई ओमेगा स्फीयर के इक्वल होता है। कैन आई से दिस? यस, ये मेरे पास सही आ गया ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, या मैं ये कह सकती हूँ जो आई है मेरे पास टू टाइम्स ऑफ यू कैन से टू टाइम्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन ओमेगा के इक्वल आ सकती है। अब मान लो मेरे पास क्या है, ओमेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वन हो गया, मेरे पास ओमेगा क्या हो गया वन। इफ ओमेगा इज वन देन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, हाफ ऑफ आई। तो वी कैन से आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये इनके बीच में इस तरह से रिलेशन आ जाता है, जब ओमेगा वन हो और जब ओमेगा की कोई मोटी वैल्यू हो तब। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है छोटा सा, रेडियस ऑफ जाइरेशन। जो अपने कुछ को बॉडीज का तो आपको निकाल के बताऊंगी, कुछ को बॉडीज का जब मैंने निकाल के बता दिया आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है या कैसे निकालना है। और उसके बाद आप क्या करोगे, इसको खुद ही निकालना शुरू कर दीजिए। सम पीपल प्रोनाउंस इट एज गाइरेशन, सम पीपल प्रोनाउंस इट एज जाइरेशन। देखो, कोई भी बॉडी जो कि काबिल है रोटेशन की, बॉल हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, लट्टू हो गया, ठीक है, अलग अलग से जिसको हम स्पिनिंग टॉप कह रहे थे लट्टू को इंग्लिश में, ऐसी की बॉडीज जो हैं जो कि रोटेट कर सकती हैं। तो आप भी तो रोटेट कर सकते हो, छोटे होते घूमते नहीं थे भाई, मैं तो बड़ा घूमती थी अपनी, जैसे बैले डांसर नहीं होती, बाहों को बाहर निकाल के गोल गोल घूमती रहती थी, चक्कर खा के बैठ जाती। तो मैंने तो ऐसी चीजें बहुत की हैं, उल्टे सीधे हरकतें। मजा आता है यार घूमने में, ट्राई करो कभी, अच्छा लगता है। तो मैं भी एक तरह से यू कैन से रोटेट करने के कैपेबल हूँ, गोल गोल घूमने कहीं भी किसी भी चीज के आगे पीछे घूम सकती हूँ। इवन डांसिंग में भी हम देखते हैं वो घूमर वगैरह होता है, कुछ भी होता है उसके आगे पीछे घूमते हैं। ठीक है, तो कोई भी बॉडी जो रोटेट कर सकती है एक गिवन एक्सिस के अराउंड या एक गिवन एक्सिस के अबाउट, तो उसके लिए जो रेडियल डिस्टेंस है वो निकालना जरूरी हो जाता है, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अगर मान लो उसका बॉडी का सारा मास या कॉन्सेंट्रेटेड है, तो जो उसका इनर्शिया आएगा वो चेंज नहीं होगा, वो इनर्शिया भी उसका कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो वो जो रेडियल डिस्टेंस हम निकालते हैं ना, वो मेरे पास रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। रेडियल डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हो गया आसान भाषा में इसको याद रखने के लिए। अब इसकी भारी भरकम डेफिनेशन जो तो कि आप करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने पेपर देना है, मेरा तो काम निकलता है और आप, मैंने तो कोई पेपर नहीं देना उनको। द रेडियस ऑफ साइटेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन may be defined as the distance from the axis of rotation at which if the whole mass ये कंडीशन है, इफ द होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड
ये चीज होनी जरूरी है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, ये मास जो है चेंज होता जा रहा है बार बार, तो इनर्शिया भी चेंज होता रहेगा। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस वुड बी सेम एज विद द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है, तो जो रेडियस ऑफ गायरेशन है ये अपने अपने ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, और उसको स्मॉल के साथ हम डिनोट करते हैं, और ये हमें बताता है एक मेजर किसमें जो मास है वो रोटेट हो रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो मेरे पास एक बॉडी है और ये इस तरह से एक्स रोटेशन है रोटेट कर रही है, ए बी एक्सिस के अराउंड क्या ये रोटेट कर रही है, तो इसका ये है मास M1 M2 M3 M4 M5 जितने मर्जी ले लिया, अपना ही राज है। R1 R2 R3 R4 एंड R5। ठीक है, तो जब मैं इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगी क्या निकालूंगी, M1 R1 स्क्वायर ऑब्वियसली प्लस M2 R2 स्क्वायर, सभी का एड ऑन हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालते हैं। सर M5 R5 स्क्वायर, तो अगर मैं इनमें से कह दूं कि जो मास है सभी बॉडीज का इक्वल है, मास सभी बॉडीज पे इक्वल आ गया, तो मेरे पास M1 M2 M3 M4 M5 सभी का मास जब इक्वल आ गया तो वो M के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, M के इक्वल आ गया तो मैंने M कॉमन निकाल लिया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। मतलब ऑब्वियसली जब मास हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है तो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, R3 स्क्वायर प्लस R4 स्क्वायर प्लस R5 स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय एम, क्योंकि ये बताती हूँ जैसे मैं इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय एम करूंगी, जो मेरे पास स्मॉल एम टाइम्स स्मॉल एम हो जाएगा वो बन जाएगा टोटल मास ऑफ दी होल बॉडी। एम क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एम मेरे पास क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये आई होप तुमने कर लिया था, लिख लिया था, ठीक है, तो बाद में जाके स्क्रीन शॉट ले लेना, बैक वगैरह करके स्क्रीन शॉट ले लेना। हाँ जी, हम हैं टॉपिक पे। हाँ जी, जब ये जो एन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो मेरे पास एम टाइम्स एन के टोटल मास ऑफ होल बॉडी कैपिटल एम आ जाएगा। तो जो रेडियस ऑफ जायरेशन है किसी भी एक्सिस के अराउंड वो क्या होगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर, जितने भी पोजीशन वेक्टर्स हैं उनका सम, उनकी स्क्वायर का सम अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल। तो मेरे पास आई क्या आ जाएगा, एम के, ये स्मॉल लिखना याद रखना। ठीक है, तो ये चीज मेरे पास क्या है, सॉरी ये के स्क्वायर की इक्वल आएगी, सॉरी, और अगर मैंने सिंपल के लिखना तो इनका अंडर रूट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज मेरे पास के स्क्वायर की इक्वल आ जाएगी, विच इज द रूट मीन की और डिस्टेंस, ये होता है हमारे पास RMS डिस्टेंस होता है, आप हायर क्लास में पढ़ोगे रूट मीन की और डिस्टेंस अभी वैसे कसम कसम में भी आप देख सकते हो। तो रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ बॉडी क्या है, रूट मीन की और डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स का फ्रॉम द एक्स रोटेशन। ये किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्स रोटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ऑब्वियसली पोजीशन और डायरेक्शन देखनी है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये काफी हद तक इस थ्योरी में टेकल हो के हमारे पास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मिलता जुलता हो। तो ये इसका रिलेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ भी। अब मैं आपको करवाऊंगी इनका नेक्स्ट लेक्चर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज
कॉन्टिन्यूस बॉडी शुरुआत होगी बेटा रॉड से, फिर उसके बाद रिंग डिस्क सिलेंडर लैमिनार कर लेंगे हम, और स्पीयर एंड कोन भी करेंगे, सो इट विल टेक 2 to 3 लेक्चर्स होता है।